हेलो सलाम नमस्ते कैम छो, स्वागत है आपका आज के वीडियो में और स्वागत है आपका पहाड़ों की रानी मसूरी में। तो आज मैं आपको सैर कराऊंगा मसूरी की और आपको दिखाता हूं मसूरी में क्या क्या देखने लायक है और कैसी जगह है। तो आज पूरा एक्सप्लोर करेंगे हम मसूरी को। तो फिलहाल ये जगह है पिक्चर पैलेस जहाँ पर मैं ठहरा हूँ। ये नीचे का मार्केट है जो फिलहाल अभी बंद है क्योंकि सुबह के 9 बज रहे हैं, 10 बजे के बाद मार्केट खुलता है। और यहाँ पर आगे की तरफ मॉल रोड है। तो ये पिक्चर पैलेस जगह है जहाँ पर मैं ठहरा हूँ और ये होटल है। ये देखो यहाँ की बालकनी है, काफ़ी बढ़िया होटल है विंटेज टाइप का। और ये रूम है जहाँ पर मैं ठहरा हूँ, रूम भी आपको दिखा देता हूँ आज। तो ये है रूम, डबल बेड है, बड़ा सा रूम है और यहाँ से व्यू काफ़ी बढ़िया आता है। ये देखो ये है नीचे का व्यू, सारे पहाड़ दिख रहे हैं आगे आपको और ये आगे का रोड जो मैंने आपको बताया पिक्चर पैलेस वाला। तो ये रूम से व्यू था। तो ये रूम देखा आपने, काफ़ी बढ़िया रूम है। और इस तरफ ये बाथरूम है। तो ये बाथरूम है, बड़ा सा बाथरूम है। थोड़े कपड़े सूख रहे हैं मेरे, गंदे हो गए थे तो थोड़े सुखा दिए मैंने। तो रूम मैंने आपको दिखा दिया, अभी थोड़ा प्राइस के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो मैंने रूम लिया है होटल में, इसमें मुझे 1500 रुपये का प्राइस लगा है पर नाइट का। और सीज़न के हिसाब से डिपेंड करता है, अगर यही सीज़न में मैं आऊँगा तो ये 3,350 में मुझे मिलेगा और बिल्कुल ऑफ सीज़न में आऊँगा तो यही रूम मुझे 1000 में भी मिल जाएगा। और इस एरिया में आप कहीं भी अगर रूम लेंगे पिक्चर पैलेस में तो आपको यही रेट में पड़ेगा, लगभग 1000 से लगा के 2,000-2,500 के बीच में। तो मैंने आपको होटल दिखा दिया, प्राइस बता दिया और अभी यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ और सैर करते हैं आज मसूरी की। होटल तो मैंने आपको दिखा दिया, प्राइस भी बता दिया, लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, ये जो एरिया है पिक्चर पैलेस, यहाँ पर आपको पार्किंग नहीं मिलेगा क्योंकि नॉर्मल टाइम पर यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है तो पार्किंग की फैसिलिटी नहीं मिलती है होटल्स में। रात को आप 10 बजे के बाद चाहे अपनी 2-व्हीलर 4-व्हीलर लगा सकते हो, लेकिन सुबह 9-10 बजे आपको फिर से हटाना पड़ता है। बाकी आपको पार्किंग वहाँ आगे की तरफ मिलता है, इस तरफ में आगे थोड़ा बाहर निकलते समय 400 मीटर पर पार्किंग है, वहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हो इस एरिया में। तो ये पिक्चर पैलेस एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। और इस तरफ में ये मॉल रोड है और ये होटल था ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया था वहाँ से। तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये मॉल रोड है लेकिन अभी खुला नहीं है मार्केट यहाँ का, सुबह के 9 बज रहे हैं, 10 बजे के बाद मार्केट खुलता है ये, क्योंकि रात को काफ़ी लेट तक चालू रहता है, इसके लिए सुबह आराम से खोलते हैं सब लोग। तो ये मॉल रोड है जिस पर हम चल रहे हैं। बाकी मॉल रोड का नज़ारा मैं आपको रात को दिखाऊँगा, मेन जो नज़ारा होता है मॉल रोड का वो रात को ही होता है लाइटिंग में। अपने देश का झंडा लहरा रहा है तिरंगा शान से, देखो कितना बड़ा तिरंगा है ये। तो इस तरह से देखो आप साइकिल रिक्शा चलते हैं मसूरी में अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो। तो अभी हम आ गए हैं लाइब्रेरी चौक पर, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये लाइब्रेरी चौक है। तो ये लाइब्रेरी चौक काफ़ी बिजी एरिया है, यहाँ पर आप देखो ज़्यादातर आपको टूरिस्ट व्हीकल वगैरह सारे दिखेंगे। और ये नीचे जाने का रास्ता है दिल्ली साइड जाने का, ये जो है वो गुरुद्वारा है, आप देखो सामने ये गुरुद्वारा है पास में ही है और ये व्यू पॉइंट बना हुआ है। काफ़ी बिजी एरिया है, सुबह 9 बजे भी काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पर और यहाँ बैठने की जगह है। और इस तरफ में यहाँ पर नीचे का व्यू देखो, माइंड ब्लोइंग क्या व्यू है, नज़ारा जो देखो आप वैली का, नीचे का पूरा रोड दिख रहा है। तो मसूरी घूमने के लिए सबसे बेस्ट है अपना खुद का व्हीकल, और व्हीकल नहीं हो तो आप यहाँ से रेंट पर ले लो, आपको 500 रुपये में स्कूटी मिल जाएगी, एक्टिवा मिल जाएगी और 1000-1200 में बाइक मिल जाएगी, तो आप अच्छे से घूम सकते हो। अगर आप यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट से घूमोगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा, जो मैंने आपको साइकिल रिक्शा बताए थे वो 2 से 3 किलोमीटर जाने में भी 200-300 रुपये ले लेते हैं। तो बेहतर होगा कि आप यहाँ पर स्कूटी वगैरह रेंट पर ले लो तो आप अच्छे से घूम पाओगे। तो पास में ही लाइब्रेरी चौक है यहाँ पर और ये शेरे पंजाब टूरिस्ट भोजनालय। तो फिलहाल मैं यहाँ पर थोड़ा नाश्ता करने आया हूँ, आलू का पराठा खा रहा हूँ, सुबह का समय है इस वजह से। तो नाश्ता करूँगा तो आपको अच्छे से बता पाऊँगा। बाकी आप ये लोकेशन देखो, आप नीचे का नज़ारा यहाँ से काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पर मैंने नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट आलू का पराठा खाया, काफ़ी बढ़िया। और भाई साहब बहुत अच्छा पराठा था आपका, थैंक यू सर। इनका पराठा की साइज़ भी देखो ना कितना बड़ा है, और 30 रुपये का पराठा है खाली आलू का। तो वैसे तो मैं ये सब फूड आइटम दिखाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा जेन्युइन बंदा लगा और खाना अच्छा था, रेट सही था, इसलिए बताया। तो ये लाइब्रेरी चौक के बिल्कुल पास में है ये वाली जगह। तो नाश्ता हो गया, ये वाला मैंने आपको सर्कल दिखा दिया था, ये वाला जो सर्कल दिख रहा है लाइब्रेरी चौक, और ये रास्ता जाएगा आगे कैंपटी फॉल के लिए।
तो कैंपटी फॉल चलते हैं यहाँ से। तो मैं आ गया हूँ कैंपटी फॉल पर। ये बोर्ड लगा हुआ है देखो, कैंपटी फॉल पैदल मार्ग, यहाँ से नीचे जाना है और आगे इधर रोप वे भी है, तो रोप वे से भी आप नीचे जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पर आना है मसूरी से, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो। बस वाले लगभग 50 रुपये लेते हैं मसूरी से कैंपटी फॉल आने के, और उसके अलावा टैक्सी वाले 1200 से 1500 रुपये लेते हैं मसूरी से यहाँ आने के। ये देखो ये बस भी आ गई है, तो ये मसूरी से बस आती है, 50 रुपये लेते हैं मसूरी से कैंपटी फॉल आने का। इस ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब करें और इधर आके वो खाना भी जरूर खाए इस जगह पर। ये पूरा मार्केट है यहाँ का कैंपटी वाटरफॉल का, जब नीचे जाते हैं तो पूरा मार्केट आता है ये। तो ये रोप वे है ये वाला, देखो आप यहाँ पर लिखा हुआ है टिकट घर, और 150 रुपये का चार्ज है पर पर्सन का। तो ये रोप वे स्टेशन है, यहाँ से ट्रॉली जाती है नीचे। तो देखो ये ट्रॉली आ रही है नीचे से, लगभग 2.5 मिनट लगता है नीचे से ऊपर आने में। और ये जो है यहाँ से ऊपर से नीचे तक का 200 मीटर का रास्ता है रोप वे का। जो लोग नहीं चल सकते नीचे, यहाँ ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ सकते, उनके लिए सुविधा है रोप वे की, लेकिन हम लोग पैदल ही जाएंगे, काफ़ी नीचे नहीं है, मैंने आपको बताया 200 मीटर ही है। तो ये देखो ट्रॉली ऊपर जा रही है, वहाँ पर ऊपर रोप वे स्टेशन है ये वाला, और मैं बीच में आया और ये रहा नीचे कैंपटी फॉल, इतना पास में है। हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें काफ़ी सारी मिलती हैं यहाँ पर, ये सारा लकड़ी का बना हुआ है देखो आप। क्या प्राइस है इसका? 400 का है। अच्छा वाले, अच्छा तो काफ़ी बढ़िया है देखो आप, ये 400 रुपये का है केवल, लकड़ी का पूरा जग है ये, बाम्बू का बना हुआ है। काफ़ी बढ़िया सामान मिलता है यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का वगैरह। तो बेटर ये होगा कि आप नीचे चलते हुए जाएं, तो आप परचेजिंग भी कर सकते हो और व्यू को एंजॉय भी कर सकते हो। तो देखो किराए पर कपड़े भी मिल जाते हैं नहाने के लिए, अगर आपके पास कपड़े नहीं है तो आप कपड़े ले सकते हो नहाने के लिए। तो जहाँ पर आपको कपड़े मिलते हैं वहाँ पर लॉकर भी मिल जाता है, अगर आपका कुछ सामान है तो आप वहाँ पर रख सकते हो लॉकर में, 50 रुपये का चार्ज लगता है लॉकर का। तो नीचे पहुँच गए, नज़ारा काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये जगह है, नीचे लोग नहा रहे हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती भरा माहौल है, एकदम फुल एंजॉयमेंट चल रहा है यहाँ पर। ये है कैंपटी वाटरफॉल, ऊंचा सा झरना आपको दिख रहा है देखो, वहाँ से आ रहा है ऊपर पहाड़ों में से। इस तरफ भी आपको खाने पीने का मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको कपड़े चाहिए रेंट पर तो वो भी मिल जाएंगे, लॉकर भी मिल जाएगा, 50 रुपये का चार्ज होता है लॉकर का। और इस तरफ भी ये सारी सुविधा है, बीच में ये वाटरफॉल है। इस सीढ़ी से मैं नीचे आया हूँ यहाँ से, और ये यहाँ से नीचे से नज़ारा है। शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, देखो आप काफ़ी सारी पब्लिक है। इससे पहले मैंने आपको यहाँ इस ब्रिज से दिखाया था, पहले मैं सामने की तरफ था, वहाँ से मैं आपको दिखा रहा था वो मैंने नज़ारा, वहाँ से आपको ये वाला दिखाया, इस ब्रिज से मैंने आपको नज़ारा दिखाया, और अभी मैं बिल्कुल पास में आ गया हूँ यहाँ नीचे की तरफ, और यहाँ से भी नज़ारा देखो आप कैसा लगता है। पानी का जो प्रेशर है वो कितना ज़बरदस्त है देखो आप, बहुत ज़ोरदार प्रेशर से पानी आ रहा है ऊपर से। तो यहाँ पे नहाने का अलग ही मज़ा है, काफ़ी बढ़िया जगह है ये कैंपटी वाटरफॉल। तो ये कैंपटी वाटरफॉल मैंने दिखाया है इस तरफ में, और इसके ठीक सामने की तरफ यहाँ पर नीचे देखो आपको एक कुंड दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आप नहा सकते हो। अगर आप चाहते हो खुले में नहाना तो आप यहाँ पर भी नहा सकते हो, यहाँ पर पब्लिक कम है थोड़ी। और इस तरफ में ये कैंपटी वाटरफॉल था जो मैंने आपको बताया, फुल ऑन एंजॉय किया मैंने भी, थोड़ा नीचे गया था लेकिन पानी में नहीं गया क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है,
बाकी ये जगह बहुत बढ़िया है और मसूरी का सबसे बेस्ट लोकेशन है ये। तो मसूरी आते हो तो सबसे पहले कैंपटी वाटरफॉल का विजिट करना, उसके बाद आगे बढ़ना। तो ऊपर की तरफ आ गया हूँ मैं, लगभग 15 मिनट लगी मुझे ऊपर आने में। तो यहाँ ऊपर से पहाड़ों में से आता है ये कैंपटी फॉल, देखो आप, और पहाड़ों के बीच में से नीचे होता हुआ इस तरफ से, इस ब्रिज के नीचे होता हुआ इस तरफ जाता है। तो ये ब्रिज के नीचे से पानी आता है झरने का और इस तरफ नीचे जाता है, वहाँ पर सब लोग नहा रहे थे, वो कैंपटी फॉल था। तो ये जगह थी जो मैंने आपको बताई, और इस तरफ से यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हो, देखो आपको सीढ़ी दिख रही होगी, लगभग 300-400 मीटर ऊपर जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा व्यू दिखेगा, वहाँ पर भी झरना है और वहाँ पर लोग थोड़े कम मिलेंगे, अगर आपको शांति चाहिए तो आप ऊपर जा सकते हो। तो ये कैंपटी फॉल था यहाँ पर नीचे, मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया, सब कुछ डिटेल बता दी, अभी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये ऊपर आपको एक मंदिर दिख रहा होगा, ये संतरा देवी मंदिर है, और ये मसूरी से जब कैंपटी फॉल जाते हैं तो कैंपटी फॉल से 4 किलोमीटर पहले आता है, और अगर आप कैंपटी फॉल से मसूरी जाओगे तो 4 किलोमीटर बाद ये मंदिर आएगा। तो अगर आप चाहो तो इसके दर्शन कर सकते हो, लगभग 300-400 मीटर ऊपर है, 300 सीढ़ियाँ है लगभग। अगर आपको मसूरी आना है तो आप देहरादून आ सकते हो, देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भी है, आप बाय एयर भी आ सकते हो, और देहरादून में रेलवे स्टेशन भी है और बस स्टैंड भी है। तो देहरादून मसूरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, और ऋषिकेश यहाँ से लगभग 55-60 किलोमीटर पड़ता है। उस तरफ में पीछे मसूरी है और मैंने यहाँ से टर्न ले लिया है आगे के लिए, और यहाँ पर है कंपनी गार्डन जो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। ये देखो बोर्ड लगा हुआ है कंपनी गार्डन। तो ये मेन गेट है और ये टिकट विंडो है, पता करते हैं कितना टिकट है। कितना टिकट है? 25 रुपये का टिकट है एंट्री फ़ी यहाँ का कंपनी गार्डन का। तो टिकट लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। थैंक यू। तो टिकट ले लिया है मैंने और इस मेन गेट से अभी अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं तो आप देख लेना, इसको फॉलो करना जब भी आओ। तो चलते हैं इस गेट से अंदर की तरफ। यहाँ पर भी शॉप्स वगैरह है, अगर आप शॉपिंग करना चाहो तो कर सकते हो। और ये पेड़ देखो यार, वाह क्या पेड़ है, घना ऊंचा एकदम। ये भी गेट है देखो, बढ़िया सा एकदम फूल पत्ती वाला। यहाँ पर हमारे भाई साहब मिलेंगे, हमारी बिरादरी के लोग है, देखो ये फोटो वोटो खिंचवाते हैं तो खींचना है यहाँ पर। यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ था फूल को टच नहीं करना है, तोड़ना नहीं है। तो आप दूर से ही नज़ारे देखो, ये वाइट फूल है, यहाँ पर वाइट गुलाब, ये रेड गुलाब, तो काफ़ी सारे फ्लावर है यहाँ पर, आपको मज़ा आएगा। देखो येल्लो गुलाब, तो सारे रोज़ है ये, पिंक वाइट येल्लो ऑरेंज, हर तरह के फ्लावर है यहाँ पर, हर तरह के रोज़ है। 11D सिनेमा और हंटेड हाउस और ये सारे इस तरफ है, एडवेंचर वगैरह बच्चों के लिए खेलने के स्पोर्ट्स वगैरह भी है। और ये गार्डन है, सारे फ्लावर्स वगैरह काफ़ी सुंदर है, देखो आप कलर कलर के। तो वो मेन गेट है, वहाँ से हम अंदर आए हैं, और इस तरफ ये फाउंटेन है, काफ़ी बढ़िया फाउंटेन है, बाकी मैंने आपको रोज़ दिखा है अलग अलग कलर के। इसी तरह से यहाँ पर सारे ये फूल वगैरह मिलेंगे आपको देखने के लिए, काफ़ी बढ़िया गार्डन है ये। वहाँ पर आगे नीचे फूड कोर्ट है, आपको दिख रहा होगा सामने, वो फूड कोर्ट है। बाकी यहाँ पर सारी राइड्स वगैरह है, इस तरफ में नीचे की तरफ, तो काफ़ी बढ़िया है। फैमिली के साथ आते हो तो पूरा एन्जॉयमेंट है, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको। बाकी गार्डन तो काफ़ी सुंदर है ही है, आप देखो ये सारे फूल वगैरह, बगीचे वगैरह काफ़ी बढ़िया है। उस तरफ झरना है तो उस तरफ चलते हैं, छोटा सा वाटरफॉल दिख रहा है मुझे। तो ये छोटा सा झरना भी है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, देखो आप, वाटरफॉल बनाया हुआ है छोटा सा यहाँ पर, काफ़ी ऊंचा भी बनाया हुआ है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, ये रियल वाटरफॉल नहीं है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है पूरा रियल है, ये ऊपर से पानी आ रहा है पूरा। और फोटोग्राफी के लिए बढ़िया है, देखो आप, काफ़ी लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं, आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो और आप चाहो तो इस तरह से इन लोगों से भी करवा सकते हो पैसा देके। और यहाँ पर होती है बोटिंग। तो टिकट विंडो है पीछे, मैंने पूछा है, कुल मिला के 2 बंदों का 100 रुपये लगता है यहाँ पर बोटिंग के लिए। तो ये बोटिंग के लिए जगह है, जो मैंने आपको वाटरफॉल बताया आर्टिफिशियल, उसके नीचे ही है ये। बाकी इसके आसपास में सारी दुकानें वगैरह हैं, गुब्बारे फोड़ना चाहो तो फोड़ सकते हो, मैगी खा सकते हो। तो ये बोटिंग पॉइंट मैंने आपको दिखाया, मुझे लगा इतना ही है, लेकिन थोड़ा इस तरफ भी है आगे की तरफ, वहाँ तक है ये। और ये यहाँ पर ये देवदार के पेड़ काफ़ी सुंदर दिखते हैं, ऊँचे ऊँचे। तो ये मैंने आपको बताया, यहाँ पर रेस्टोरेंट कैफ़े है, बाकी यहाँ ऊपर वैक्स म्यूजियम भी है, देखो आप,
ये सारे पुतले रखे हुए होते हैं इनके, सेलिब्रिटीज़ के। तो वैक्स म्यूजियम भी है यहाँ पर, बच्चों के खेलने के लिए ये भी है, बाकी ये सारी छोटी बड़ी राइड्स वगैरह मिलेगी आपको यहाँ पर। बाकी सबसे बढ़िया जो मुझे लगा, ये पेड़ ऊँचे घने से मोटे से पेड़ है, एकदम बढ़िया सुंदर। तो ये कंपनी गार्डन था और अभी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम उस तरफ थे, सामने की तरफ, वहाँ पर जो मैंने आपको कंपनी गार्डन दिखाया, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर था वो। और अभी ये दलाई हिल है, रास्ता ऊपर की तरफ जाता है ये दलाई हिल के लिए, और ये रास्ता 300 मीटर का है। तो वहाँ से 100 मीटर ऊपर आया हूँ मैं, और यहाँ पर ये देखो सारे झंडे वगैरह लगे हुए हैं, रोप है, और ये कुछ बनाया हुआ है यहाँ पर। और इस जगह का नाम दलाई हिल है, तो ये दलाई लामा से रिलेटेड है, दलाई लामा के ऊपर इस जगह का नाम दलाई हिल पड़ा है, यहाँ पर लिखा हुआ है दलाई हिल्स के लिए रास्ता। तो चलते हैं ऊपर, ऊपर की तरफ आ गया हूँ मैं, थोड़ा आगे तक वहाँ तक जाना है, मेन पॉइंट वो है। कहते हैं कि यहाँ से काफ़ी दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिखती है सारी, तो ऊपर चलकर देखते हैं। तो वहाँ से आए हम, देखो आप इतने सारे झंडे लगे हुए हैं, काफ़ी सारे झंडे हैं जो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है एटर्नल फ्लेम, और इस तरफ ये गेट है। तो चलते हैं आगे की तरफ, आगे आपको भगवान बुद्ध की सुंदर प्रतिमा दिखेगी। ये है भगवान बुद्ध की मूर्ति, काफ़ी ऊंची है, लगभग ये 12 फीट की होगी, 12 से 15 फीट की, और काफ़ी सुंदर मूर्ति है ये, देखो आप। तो ये भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, और उसके पीछे की तरफ यहाँ पर नीचे ये जो है वो पोलो ग्राउंड है, देखो आपको जो ग्राउंड दिख रहा है, हेलीपैड लिखा हुआ है वो, तो ये पोलो ग्राउंड है यहाँ का। और ये रास्ता आगे की तरफ जाता है, और वहाँ पर भी एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, आप चाहो तो वहाँ तक भी जा सकते हो, वैसे यहीं से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। और वहाँ पर वो संतरा देवी मंदिर है जो मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, मेरे ख्याल से आपको यहाँ से सब कुछ दिखेगा। ये है नीचे का पोलो ग्राउंड जो ऊपर से दिख रहा है, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। और ये मंदिर संतरा देवी जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ से रास्ते में आते समय। तो दलाई हिल से नीचे उतर रहा हूँ मैं, और सामने वहाँ पर आपको एक टेंपल दिख रहा होगा, बुद्धा टेंपल है वो। तो जैसे ही हम नीचे उतरते हैं, पार्किंग के पास में ही वहाँ पर बुद्धा टेंपल है, तो चलते हैं वहाँ पर नीचे। तो ये आपको गेट दिख रहा होगा, ये बुद्धा टेंपल का गेट है, चलते हैं थोड़ा अंदर, बिल्कुल शांति है यहाँ पर, पीस है एकदम। वो दलाई हिल था, वहाँ से हम नीचे आए इस तरफ, और ये बुद्धा टेंपल है, देखो आप पास में ही है बिल्कुल। तो मैं अंदर कैमरा लेके जा रहा था, तो मुझे मना किया, अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता पाया। वैसे ये बुद्धा टेंपल जो तिब्बती लोग हैं उनका है, ये सारे जो तिब्बती मूल के लोग हैं उन्होंने ये बसाया हुआ है।
द प्रेयर व्हील है ये बड़ा सा, ये इनके मंत्र वगैरह इस तरह से होते हैं, इधर लिखा हुआ है पूरा डिटेल में, आप स्टॉप करके पढ़ लेना, काफ़ी डिटेल में बता रखा है यहाँ पर। और ये प्रेयर व्हील है बड़ा सा, ये बड़ा सा प्रेयर व्हील था, उसके ठीक पीछे यहाँ पर छोटे वाले भी प्रेयर व्हील है, ये वाले लाइन से देखो आप काफ़ी सारे हैं, यहाँ पर भी ये डिटेल लिखी हुई है। और ये वो प्रेयर व्हील है, थोड़ा सा हम भी प्रेयर कर लेते हैं। मंत्र तो मुझे नहीं पता लेकिन मन से कर रहा हूँ तो आवाज़ पहुँच जाएगी। तो ये बुद्धा टेम्पल था, मैंने आपको बताया, और अभी यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं।